विश्वविद्यालयर 100 वर्ष पूर्ति उपराष्ट्रपतिंक सह जोगदेले केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। दिल्ली विश्वविद्यालय एक जीवंत अनुष्ठान, एक सेंटिमेंट ओ इमोशन। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्लीर शतवार्षिकी समारोह उद्घाटनी कार्यक्रम में जोगदेले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू एवं केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एही अवसर रे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिछंती वर्तमान समय रे दिल्ली विश्वविद्यालय एक जीवंत विश्वविद्यालय रे परिणत होईछि। नालंदा तक्षशिला भली दिल्ली विश्वविद्यालय मध्य ऐतिहासिक होई परिछि। जिस सभ्यता में अनेक पुरातन विश्वविद्यालय की इतिहास है, जिसके बारे में अंतरराष्ट्रीय शोध विद्यार्थी उएनसा जैसे व्यक्तियों ने नालंदा के बारे में, तक्षशिला के बारे में उल्लेख किया है, आज हम एक ऐसे ही परंपरा के एक लिविंग यूनिवर्सिटी में, दिल्ली को बड़ा सोच समझ के कह रहा हूँ, एक जीवंत अनुष्ठान लिविंग यूनिवर्सिटी आज हमारी सामने सफलता के साथ 100 साल पालन कर रहा है। मैं फिर आप सभी को बधाई देता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय एक इंस्टीट्यूशन है। दिल्ली विश्वविद्यालय कंग्लामोरेशन ऑफ 90 कॉलेज हैं। कुछ लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जिसकी छाप देश के अनेक स्थान पे अभी विद्यमान है। क्या उतना ही दिल्ली विश्वविद्यालय है? मेरे दृष्टि से दिल्ली विश्वविद्यालय एक सेंटिमेंट है, एक इमोशन है, जो देश के पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों से आगे बढ़ रहा है। यही हमारी देश की विशेषता है। यूनिवर्सिटी रे बड़ा डिग्री हासिल करितिबा अनेक छात्र पूरा विश्व रे विभिन्न स्थान रे रहिछंती, किंतु एठारे साधारण कार्य करुथिबा प्रत्येक व्यक्ति मध्य एही विश्वविद्यालयर एक अभिन्न अंश, जेउ मानंकर विश्वविद्यालयर 100 वर्ष पूर्ण दिगरे मध्य अवदान रहिछि बोली संबोधन रे कहिछंती शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति तथा अनेक ऐसे ही पात्र होंगे जिन्होंने उन डिग्रियों को तो प्राप्त नहीं किया, लेकिन जो कैंटीन में चाय देते होंगे, जो छोले भटूरे यहाँ देते होंगे, जो चाउमीन आपको खिलाए होंगे, कभी कभी कल्पना नहीं किया होंगे कि मैं इस विश्वविद्यालय में मेरे पीढ़ी का भी कोई आएगा, लेकिन उनकी प्रति भी मैं आज मेरे श्रद्धा मेरे नमन समर्पित करता हूँ। उन्हीं की भी योगदान रहा है इस प्रवास के लिए। तबे दिल्ली विश्वविद्यालय शतवार्षिकी पालन करथिबा समय रे देश मध्य स्वाधीनतार अमृत काल महोत्सव पालन करुछि, जहां की संयोग वशतः एक स्वर्णिम समय। मित्रों देखिए, सुखद संयोग है, हम विश्वविद्यालय की शतवार्षिक शुरू कर रहे हैं और इस साल भर हम देश में शिक्षा विभाग की हिस्सा के हिसाब से, एक भागीदारी के हिसाब से आपको कह रहा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय सिर्फ अपना ही इंस्टीट्यूशन की सेलिब्रेशन नहीं करेगा, निश्चित रूप में जो एक भगवान ने ईश्वर ने बीच बीच में मौका देता है, किसी किसी समय को हम स्वर्णिम समय कहते हैं। स्वर्णिम काल इसीलिए कहते हैं, संयोग देखिए, हम सेंटिनरी मनाएंगे, देश अमृत काल में ही सेंटिनरी मनाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय एही शतवार्षिकी समारोह उद्घाटनी उत्सव रे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का समेत विश्वविद्यालय कुलपति और अन्य शिक्षा अधिकारी माने जोग देथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज़।